हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। माय नेम इज कमलवीर। आज हम एक चैप्टर डिस्कस करेंगे एंड नेम ऑफ द चैप्टर इज एनिमल एंड ह्यूमन लैंग्वेज। इसके ऑथर हैं जॉर्ज यूल एंड द पेपर इज लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स पार्ट वन एंड यूनिट नंबर इज वन। सो लेट्स स्टार्ट। सो एक बुक है एंड नेम ऑफ द बुक इज द स्टडी ऑफ लैंग्वेज। इट वॉज पब्लिश्ड इन 1985। इस बुक में कई सारे चैप्टर्स हैं और वन ऑफ द चैप्टर इज एनिमल एंड ह्यूमन लैंग्वेज। इसी के बारे में हम सिलेबस में पढ़ते हैं। ओके, सो बेसिकली इस बुक में, इस चैप्टर में ये बताया गया है कि जो एनिमल्स लैंग्वेज यूज करते हैं, क्या वो सिमिलर है ह्यूमन से? जो ह्यूमन बींग्स की लैंग्वेज है, इज इट सिमिलर टू ह्यूमन बींग्स लैंग्वेज? अगर सिमिलर नहीं है तो क्या क्या डिसिमिलैरिटीज हैं? आपको पता है कि जो एनिमल्स हैं उनके पास कुछ कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, लेकिन वो लिमिटेड कम्युनिकेशन स्किल्स हैं। तो वो कितने लिमिटेड हैं, वो किस तरीके की लैंग्वेज यूज करते हैं, उन सारी चीज़ों के ऊपर ही स्टडी की गई है। इसका योनरा है एकेडेमिक टेक्स्ट बुक लिंग्विस्टिक्स। इसका स्ट्रक्चर है, बुक का स्ट्रक्चर, द बुक टिपिकली फॉलोज अ स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट दैट इंट्रोड्यूसेस की कंसेप्ट इन लिंग्विस्टिक प्रोग्रेसिवली। इस बुक के अलग अलग चैप्टर लिंग्विस्टिक से एसोसिएटेड अलग अलग टॉपिक्स को, कंसेप्ट्स को एक्सप्लोर करते हैं। इट कवर्स टॉपिक्स सच एज द नेचर ऑफ लैंग्वेज, फोनेटिक्स, फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, सिंटैक्स, सीमेंटिक्स। ओके, ये सारे टॉपिक्स इसमें कवर किए गए हैं। ओके, जैसे कि सोशियो लिंग्विस्टिक्स, साइको लिंग्विस्टिक्स एंड मैनी मोर। सो ये सभी टॉपिक इसमें डिस्कस किए गए हैं। तो चैप्टर्स की अगर बात करें तो अलग अलग, इस बुक के कई सारे एडिशन हैं, तो 12 टू 15 चैप्टर्स हैं अलग अलग एडिशंस में। कुछ एडिशंस में 12 है, कुछ में 15 है, कुछ में 13 भी है। सो जब भी आपको पेपर लिखना है, जब भी आपको इस टॉपिक के बारे में लिखना है, तो फर्स्ट पेज आपको एज इट इज यही वाला लिखना है जो यहाँ पे मैंने आपको चीजें लिख के बताई। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमेशा याद रखना है कि जो बेसिक नॉलेज मैं आपको बताता हूँ किसी भी टॉपिक के बारे में, वो आपने जरूर लिखना है एग्जामिनेशन में। तो बुक के बारे में अगर बात करें, बुक सर्व्स एज एन इंट्रोडक्शन टू साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज। तो यहीं से आप कह लो कि साइंटिफिक स्टडी लैंग्वेज की शुरू होती है। ओके, और साइंटिफिक स्टडी लैंग्वेज की किस तरीके से होनी चाहिए, कैसे उसे कंडक्ट करना चाहिए, कि हम कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं विच आर नीडेड टू बी स्टडीड, उन सभी के बारे में यहाँ बात की गई है। इज कॉमनली यूज एज अ फाउंडेशनल बुक इन लिंग्विस्टिक्स। लिंग्विस्टिक कोर्स में, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी में इसे फाउंडेशनल बुक की तरह पढ़ाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। सो डिटेल में अभी डिस्कस करते हैं बुक के बारे में। द बुक एक्सप्लोर्स द कैपेसिटी ऑफ एनिमल्स टू एक्वायर एंड यूज लैंग्वेज लाइक सिस्टम्स। तो इस बुक में, इस चैप्टर में बेसिकली ये बात की गई है कि जो अलग अलग एनिमल्स हैं उनकी कैपेसिटी क्या है। वैसे तो आपको पता है कि जैसे हमारी लैंग्वेज है हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश, उर्दू, कि नहीं, बहुत सारी लैंग्वेजेस है हमारे पास। इस तरीके की कोई लैंग्वेज या स्क्रिप्ट तो नहीं है एनिमल्स के पास, लेकिन फिर भी एक लैंग्वेज लाइक सिस्टम है। ओके, एक लैंग्वेज लाइक सिस्टम यानी कि लैंग्वेज जैसा ही उनके पास एक सिस्टम है, वो उसके थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। हमारे जैसे इतने सारे वर्ड्स, वोकैबुलरी नहीं, लेकिन लैंग्वेज जैसा एक सिस्टम है जिसके थ्रू वो कम्युनिकेट करते हैं। और स्पेसिफिकली दो ऐसे एनिमल्स हैं, चिंपैंजी और बोनोबो। चिंपैंजी और बोनोबो, इन दोनों के ऊपर ही पूरी स्टडी की है। इन दोनों के ऊपर ही पूरी स्टडी की गई है इस बुक में। ये देखो, ये चिंपैंजी होते हैं इस तरीके से और ये बोनोबो है। दोनों में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों ही एक तरीके के आप कह लो एप्स हैं। ओके, थोड़ा ही इनमें डिफरेंस है। तो इनमें बायोलॉजिकली क्या डिफरेंस है उसमें हम नहीं जाएंगे, क्योंकि वो हमारा टॉपिक नहीं है। हमारा कंसर्न है ये समझना कि इन दोनों के बारे में ये स्टडी की गई है, तो चिंपैंजी और बोनोबो के बारे में इस बुक में, कि इनकी लैंग्वेज को समझना है। इट डेल्व्स, ये जो ऐसे है, इनटू एक्सपेरिमेंट्स इन्वॉल्विंग टीचिंग एनिमल्स वेरियस कम्युनिकेशन मेथड्स। इसमें क्या होता है, जो अलग अलग एनिमल्स है यही दो स्पीशीज के, इन्हें कम्युनिकेशन मेथड सिखाए जाते हैं। जैसे कि सिंबल सिस्टम इन्हें सिखाया जाता है, सिंबल सिस्टम इन्हें सिखाया जाता है, शेडिंग लाइट ऑन देयर लिंग्विस्टिक कैपेबिलिटीज, ताकि हम ये समझें कि इनकी लिंग्विस्टिक कैपेबिलिटीज कितनी है, ये कितने अच्छे से लैंग्वेज को सीख सकते हैं और यूज कर सकते हैं।
while highlighting the difference between animal communication and complexity of human language. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो यहाँ लिखी हैं। इस पूरे चैप्टर का पर्पस है कि इन्हें कुछ लिंग्विस्टिक कैपेबिलिटीज सिखाई जाए, सिंबल सिखाए जाए। सिंबल सिखाए जाए क्यों? नंबर वन, नंबर वन पॉइंट क्या बनता है कि इन्हें कुछ सिंबल सिखा। ओके, तो नंबर टू पॉइंट क्यों? ताकि हम इनकी लिंग्विस्टिक कैपेबिलिटीज को जान सके कि कितने ये कैपेबल हैं। और थर्ड इसका पर्पस ये है कि हम ये डिफ्रेंशिएट कर सकें, ओके, कि ह्यूमन लैंग्वेज और एनिमल लैंग्वेज में कितना डिफरेंस है, कितनी कॉम्प्लेक्सिटीज है, ओके, और कैपेबिलिटीज में क्या डिफरेंस है। अल्टीमेटली इट डिस्कसेस द चैलेंजेस इन डिफाइनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग व्हाट ट्रूली कॉन्स्टिट्यूट यूजिंग लैंग्वेज अमंग नॉन ह्यूमन स्पीशीज। उसके बाद ही इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करती है कि ये जो यूज ऑफ लैंग्वेज है नॉन ह्यूमन स्पीशीज में, एनिमल्स में, है ना, ये जो इनकी लैंग्वेज है इसे डिफाइन करें। इनकी लैंग्वेज क्या है, क्या ये सच में कोई लैंग्वेज यूज करते हैं कि नहीं करते हैं, वो सारी चीजें समझने की कोशिश। तो बेसिक चीजें मैंने इस चैप्टर के बारे में आपको बताई। कंप्लीट चैप्टर आपको कहाँ पे ये मिलेगा? हमारी ऐप अमन पाठशाला के ऊपर, या वेबसाइट विजिट करना amanpathshala.com, और लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैं डाल दूंगा। वहां पे इस वीडियो का, कंप्लीट वीडियो का लिंक भी है और इस पूरी कोर्स का भी, लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक का भी। वहां पे इसके हर एक टॉपिक के ऊपर, हर एक यूनिट के ऊपर वीडियोज अवेलेबल हैं। आप जाके हमारी ऐप से या वेबसाइट के थ्रू ये सभी कोर्सेज देख सकते हो। ओके, सो कोई भी डाउट हुआ तो अभी आप लिख के मुझे बताना कमेंट बॉक्स में, और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।